हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इकोनॉमी का, और साथ ही बहुत शानदार तरीके से उत्तर आप लोग बता रहे हैं। ऐसे ही आप लोग लगे रहिए और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अपने नॉलेज को मजबूत कीजिए। डिटेल क्लास समाप्त हो चुका है, अब बारी है प्रैक्टिस सेशन का। धुआंधार प्रैक्टिस सेशन होगा आप लोगों का, और आप लोगों को भी अपना जी जान लगा करके मेहनत करना है, पढ़ना है और परफॉर्मेंस देना है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और अच्छा प्रयास करते हैं तो देख के एनर्जी मिलती है और मन करता है कि हर रोज़ आपके लिए मेहनत करें। और जब आप लोगों की संख्या नहीं रहती और आप लोग नॉन एनर्जेटिक रहते हैं तो हमारी भी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। आप लोग मेरे अपने साथ साथ मेरी ऊर्जा भी खींच लेते हैं, तो ऐसा ना किया करें, गलत बात है ये। चलिए बच्चा लोग, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो कि सही है? आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। बच्चा लोग बताएंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेश में लगातार वृद्धि हुई है। क्या ये बात सही है कि पिछले 10 वर्षों से सरकार ने लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी को बढ़ाया है? दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है? और तीसरा है कि दोनों बातें सही हैं, और चौथा है कि कोई भी सही नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, और आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और बहुत ही शानदार है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा और गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप सभी को पता हो कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों बातें सही हैं। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेश में लगातार वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है, सरकार बहुत ध्यान दे रही बैंकिंग क्षेत्र पर। दूसरा भी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल राष्ट्रीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है कि व्यवस्थित रूप से काम चलता रहे, इसीलिए जो भी मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी थे उन सबको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न है बहुत आसान, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको तो फटाफट उत्तर दीजिएगा और कोई बच्चा गलत नहीं करेगा इसको, क्योंकि इसकी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा के अर्थ को सही वर्णित करता है? पहला है, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के रूप में चुकाए जाने वाली मुद्रा को। दूसरा, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तीसरा है, चेक ड्राफ्ट विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। और चौथा है, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ और हो ही नहीं सकता, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चों लोग, गलती नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फटाफट उत्तर मैं बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन भी है बहुत ही शानदार, और आपके सामने 3 ऑप्शन है और इनमें से बताना है कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन करिए। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रायोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दूसरा है, भारत सरकार कोष पत्र जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। तीसरा, कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य के से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो कि सत्य नहीं है, यानी कि आपको गलत कथन बताना है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं जो कि आपका सही नहीं है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, आईएएस का क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो याद रखेंगे कि आपका जो तीसरा है ना, ये सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट आप लोग को होना ही नहीं चाहिए, और दूसरा भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। लेकिन जो कह रहे हैं ना कि कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य के बट्टे पर जारी किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट्टा लिखा है ना, कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य के बट्टे पर, तो कोष पत्र ऑफर जो है अपने सम मूल्य के बट्टे पर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा था 3 तरह के होते हैं, एक तो जितना मूल्य लिखा है, एक उससे कम मूल्य पे, एक उससे ज़्यादा मूल्य पे जारी किए जाते हैं। तो इसलिए आपका तीसरा गलत है, ये सही नहीं है, बाकी बातें सही हैं, क्लास में सारी चीज़ें बताई हूँ। बस आज अब आप लोगों का सिर्फ मैं रिवीजन करा रही हूँ, वो भी बहुत फास्ट मोड में, फटाफट उत्तर दीजिएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो कि सही है।
पहला है पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। दूसरा है CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक अपना द्वारा अलग अलग किया जाता है। आपको बताना है बच्चों कौन सा कथन है जो सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। कितना आसान है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो तो इसलिए गलतियां तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। पहला दिया है पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसको हम कहते हैं CAR, और दूसरा भी है CAR, यानी कि क्या कौन सी बात है जो कि गलत है। और आप सभी को पता है कि कौन सा सही है, चूँकि आपको मैं पहले ही बताई हूँ कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंक को अपनी निधि के रूप में रखना होता है। अगर कभी पैसा उनका घाटे में चला जाए, NPA में चला जाए, तो ताकि वो उस पैसे से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, टूटे ना, बर्बाद ना हो, दिवालिया ना निकले। दूसरा गलत है, ये बैंक प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग नहीं निर्धारित होता, बल्कि CAR जो RBI निर्धारित करता है उसी आधार पर सारे बैंकों को काम करना पड़ता है, इसलिए आपका दूसरा गलत है। आप सभी को पता है इसका अधिकार RBI के पास है, बैंकों के पास नहीं है। दूसरा गलत है, पहला सही है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह एक UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का स्थानांतरण करना संभव बनाता है। क्या भीम ऐप का उपयोग इसलिए करते हैं कि हम UPI के माध्यम से बैंक खाते से दूसरे खाते में धन का स्थानांतरण कर सकें। या दूसरा है जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सी बात है जो कि आपका सही है भीम ऐप के बारे में। उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, और आप सभी को ये क्लास में बता चुकी हूँ कि भीम ऐप के बारे में कौन सी बात है जो कि सही है। तो आपका इसमें कौन सा है सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें जो कह रहा है ना कि आपका जो पहला है ये तो बिल्कुल सही है, भीम ऐप का उपयोग करने वालों के लिए यह एक UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन स्थानांतरित करना संभव है, बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, वहीं भीम ऐप के प्रमाणीकरण में सिर्फ 2 घटक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा गलत है आपका, केवल पहला सही है, ये चीज़ याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये भी बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। मैं पहले भी इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ। क्वेश्चन है कौन सा कथन है जो कि सही है। कथन है आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। क्या ये बात सही है कि हम आधार कार्ड का जो प्रयोग है वो नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में कर सकते हैं, क्या ये बात सही है। दूसरा है आपका एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाले प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, क्या ये बात भी सही है। आपको बताना है बच्चों की कौन सी बात है जो कि आपका सही है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो कि सही है। तो ये कोई डाउट नहीं है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाता है, ये भी गलत है, और दूसरा भी गलत है कि इसे एक बार निर्गत करने के बाद जो है निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है, ये प्राधिकरण के पास इस तरह की अथॉरिटी होती है। तो दोनों बातें गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आप सभी को पता होगा कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, और ये भी देखिए कितना आसान है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है। सभी ATM को जोड़ने का काम कौन करता है, आपको ये बताना है। पहला है भारतीय बैंक एसोसिएशन, दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभूति निश्चित लिमिटेड, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और चौथा है आपका RBI। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा।
तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आरबीआई तो होगा नहीं, एटीएम से इसका कोई लेना देना नहीं है। कह रहा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, तो कौन करेगा ऐसा? आपको बताइए, प्रतिभूति का है तो ये तो होगा नहीं, ये तो प्रतिभूति क्षेत्र का है, ये भी नहीं होगा। अब आप इसमें से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ना हो, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन आईएएस का है। आरबीआई के बैंक दर कम करने से क्या होगा, क्या होगा परिणाम, क्या आएगा? कितना आसान है आप सभी के लिए, कोई बच्चा मेरा गलत नहीं करेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, कि आरबीआई का अगर बैंक दर घटा दिया जाए आरबीआई के द्वारा तो क्या होने वाला है, आउटपुट क्या आएगा? पहला है बाज़ार की तरलता बढ़ जाती है, दूसरा है बाज़ार की तरलता घट जाती है, तीसरा है बाज़ार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चौथा है वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पहुंची संग्रहित कर लेते, जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं। तो बताएंगे मैं, चलो कितना आसान है, कोई ही दम नहीं है क्वेश्चन में। बाज़ार की तरलता बढ़ जाएगी, मुद्रा स्फीति आएगा, सभी को पता है, यानी कि तरलता बढ़ेगी, कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुद्रा स्फीति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा वो, आप सभी को इसका उत्तर पता है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल से क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में आया हुआ है। पहला कह रहा है, कौन सा सही नहीं यही बताना है, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय आरबीआई करता है। दूसरा, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। तीसरा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। और चौथा है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि सही नहीं है, आपको गलत बताना है, और आप लोगों के लिए गलत उत्तर ढूंढना काफ़ी आसान होगा क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो कॉमन सेंस हैं, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ना उसमें बाध्यकारी शब्द नहीं जुड़ता। अगर कोई भी संस्था जो निःशुल्क वर्क कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो वो बाध्यकारी उसका हो ही नहीं सकता। तो ये तीसरा सही नहीं है। पहला सही है, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, याद रखिएगा, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें भी सुन सकता है, और बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं, लेकिन उसके द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा, ये सही नहीं है बच्चा लोग, अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आईएएस का क्वेश्चन था लेकिन कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न सुनिए, कितना अच्छा है, कह रहा है, समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल समझौता या सरल शब्दों में बेसल 111 क्या है? आपको बेसल 111 के बारे में बताना है कि बेसल 111 क्या है। पहला है, जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियां विकसित करने का प्रयास करता है। दूसरा है, नेक्स्ट जो है आपका ये है, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। तीसरा है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। चौथा है, विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रयास करता है ताकि वह प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग कर सकें। तो बताना है बच्चा लोग, समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल थर्ड है, ये 111 नहीं बच्चों, बेसल थर्ड है, इसको किस लिए, मतलब ये समाचारों में रहता है, क्या है ये बेसल थर्ड आपका, ये आपको बताना है, और ये उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आईएएस का प्रश्न है, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका क्या है, बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है, बेसल थर्ड, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और ये बहुत आसान है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देना है, यानी कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता या ऋणदान से
तात्पर्य किस क्षेत्र को ऋण देने से है आपको यही बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका कृषि क्षेत्र, दूसरा है लघु एवं छोटे उद्योग, तीसरा है दुर्बल वर्ग और चौथा है उपर्युक्त में से सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि ये आसान है और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। याद रखेंगे यहाँ पे लिखी सारी बातें सही हैं, कृषि भी होगा, लघु और छोटे उद्योग भी होगा और दुर्बल वर्ग भी होगा, तीनों बातें सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अच्छे से क्लास में समझाई हूँ और पढ़ाई भी हूँ कि अगर द्रव्य की पूर्ति उतना ही रहे लेकिन द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, दूसरा ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, तीसरा ब्याज की दर में कमी आ जाएगी, चौथा आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता है और आप सभी लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल सही सही देना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा बच्चा लोगों की उत्तर आप लोगों का सही हो। अगर गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, बस आप लोग इसको डेली डेली पढ़ते रहिएगा और रिविज़न करते रहिएगा। तो आप सभी को पता है अगर वस्तुओं और सेवाओं का जो मतलब उपस्थिति है मार्केट में उतना ही है लेकिन उसकी मांग बढ़ गई है, यानी कि मुद्रा स्फीति की स्थिति है मार्केट में, मुद्रा स्फीति है, पैसे का बहुत ज़्यादा प्रवाह हो गया है, पैसे की वैल्यू घट गई है, वस्तु और सेवाएं महंगी हो गई हैं। ऐसे में अगर आप बैंक से पैसे लेने जाएंगे तो बैंक कौन सी नीति अपनाएगा। सभी को पता है मार्केट से पैसा खींचने की नीति अपनाएगा और उसके लिए बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए कितना बढ़िया है। आईएएस का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है प्रश्न अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है बच्चा लोग, जिला साख योजना बनाई जाती है, जिला साख योजना किसके द्वारा बनाई जाती है ये आपको बताना है। ये आपके पीसीएस का क्वेश्चन है, लीड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत या भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत। तो बताएंगे बच्चा लोग, आपके पास सामने ऑप्शन मैंने रख दिया है, ऑप्शन की सहायता से आप लोगों को उत्तर देना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत आसान है, कॉमन सेंस का है, आसान है। आपको पता है स्टेट बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है, नाबार्ड आपको पता है इस तरह की कोई बात नहीं करता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण और विकास के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। ये आपका क्या हो जाएगा, लीड बैंक। जिला साख योजना बनाई जाती है किसके अंतर्गत, लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए लीड बैंक से एक संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने और इसका उत्तर देना है आप लोगों को। क्वेश्चन है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है, बड़े बैंक प्रत्येक ज़िले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। तीसरा, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। क्या ये सही है कि विकास ज़्यादा हो इसलिए प्रत्येक बैंक अलग अलग जिलों को अपनाएं। और चौथा, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। बताएंगे बच्चा लोग लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रत्येक बैंक सघन यानी कि ज़्यादा विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं, यही लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल है, भारत में अगर वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना है तो क्या किया जाता है। आसान है ये क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर है पता और ये आपको पता हो कि पीसीएस का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है सीआरआर और एसएलआर को कम करना, दूसरा कह रहा है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, तीसरा कह रहा है ब्याज दर का अविनियमन और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग, चौथा है कि उपयुक्त सभी। बताएंगे क्या होगा बच्चा लोग, आपका उत्तर कितना आसान है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सारी चीज़ें क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और अपना दिमाग भी यूज़ करते रहिएगा, बार बार रिविज़न करते रहिएगा, नहीं तो चीज़ें भूल जाएंगी
और एग्ज़ाम में नहीं याद आएगा। तो आप सभी को पता हो कि उपरोक्त सभी बातें सही हैं। CRR घटाने से, SLR घटाने से पैसे की मात्रा बढ़ेगी तो वित्तीय क्षेत्र में डिमांड और सप्लाई बढ़ेगा। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश हो ऐसी बात की जा रही ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिले। और ब्याज दर का अविनियमन किया जाए ये भी सही है। सभी सही है बच्चा लोग, उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सूक्ष्म वित्त निगम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और रोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएँ उपलब्ध की जाती हैं वह हैं, यानी कि सूक्ष्म वित्त निगम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुड़े व्यक्तियों दोनों को प्रदान किए जाते हैं। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं वह है ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधाएं। और आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। पहला केवल पहला, बी में है पहला चौथा, सी में है दूसरा तीसरा, डी में है कि सभी। IAS का प्रश्न है लेकिन आसान है, कॉमन सेंस का है कि जो सूक्ष्म वित्त होते हैं ये निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करते हैं। ये सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदान किए जाते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सारे उद्देश्य हैं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, बचत सुविधाएं उपलब्ध कराना, बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराना, निधि अंतरण सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये चारों चीज़ें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। IAS का है लेकिन अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही अच्छा है और ये आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल पता होगा, नो डाउट आप सभी को पता हो इसका उत्तर, उम्मीद है ऐसा मुझे। कह रहा RBI द्वारा घोषित कोषों, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर का उद्देश्य क्या है? सीमांत लागत पर आधारित उधार दर के बारे में आपको बताना है कि इसका क्या अभिप्राय है। पहला है यह दिशा निर्देश सुधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु तो बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा, यह दिशा निर्देश बैंक शाख की उपलब्धता ऐसे जो है ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हों। तो बताएंगे RBI द्वारा जो घोषित है कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधार दर, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, गलती नहीं करेंगे बच्चा लोग, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। MCLR इसका फुल फॉर्म होगा और आप सभी को पता है कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, यह दिशा निर्देशों सुधारों की ब्याज दरों पर निर्धारित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई विधि और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह दिशा निर्देशों बैंक शाखा की उपलब्धता एवं ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करता है और ऋण लेने वाले एवं बैंकों दोनों को ही न्याय संगत चीज़ें उपलब्ध कराता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और ये है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? किसके बदले में RBI मुद्रा का निर्गमन करेगा आपको ये बताना है और ये बहुत आसान है, मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला है स्वर्ण, दूसरा है विदेशी प्रतिभूति, तीसरा है भारत सरकार की प्रतिभूति और चौथा है उपर्युक्त सभी। देखिए बच्चों कितना आसान है, PCS का प्रश्न है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप सभी को क्लास में बता चुकी हूँ कि स्वर्ण भी रखता है RBI 115 करोड़ का और विदेशी प्रतिभूतियाँ भारतीय सरकार की प्रतिभूतियाँ ये सारी प्रतिभूतियाँ भी रखता है वो 85 करोड़ का। उपर्युक्त सभी बातें सही हैं, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक बैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि बैंकरों के बैंक के रूप में काम करता है। RBI बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। दूसरा, आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।
तीसरा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है। कितना आसान है, आईएएस का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया शानदार उत्तर दीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, आप सभी को इसका उत्तर पता है और सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आज हम लोग फटाफट रिविजन कर रहे हैं, फटाफट प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चा लोग। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य है? सांविधिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य कौन सा है आपको ये बताना है। पहला, केंद्रीय बैंकों को बैंक द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। चौथा, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष से नकदी रखने का को बाध्य करना। आपको SLR के बारे में बताना है बच्चा लोग, फटाफट बताइएगा कौन सा है जो कि सही है। IAS का है लेकिन आप सभी को पढ़ाया है, एक एक पॉइंट बताया है। SLR, CRR क्या है, क्यों रखा जाता है, घटाने से क्या होगा, बढ़ाने से क्या होगा, तो यहाँ पे बता रहा है SLR जो है इसकी आवश्यकता क्या है। तो आप सभी को पता है RBI ऐसा करता है, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा और आप लोग इसका उत्तर समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चा लोग, कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद का वर्णन करता है? इनमें से कौन सा है जो कोर बैंकिंग का वर्णन कर रहा है सही रूप से? कोर बैंकिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पहला, या बैंकों की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। दूसरा, यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। और तीसरा है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अंतर्जन परिसंपत्ति वाले बैंकों का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा किया जाता है। और चौथा है कि उपयुक्त सभी। इसमें आप लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज़ क्योंकि बहुत दिन हो गया आपको पढ़े हुए, तो गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती मत कीजिएगा। कोर बैंकिंग समाधान जो पद है जो कभी कभी समाचारों में रहता है, इसका मतलब क्या होता है? यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खाता का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपने खाता कहीं भी खुलवा रखा हो। यही है आपके कोर बैंकिंग का सही व्याख्या। याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो क्या होगा? कितना आसान है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? क्वेश्चन आपके सामने है और आपके सामने ऑप्शन भी है। ऑप्शन में है, अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा। दूसरा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। तीसरा है, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। चौथा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो बताइएगा बच्चा लोग कि क्या होगा आपका सही आंसर। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि अगर ब्याज की दर घटेगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश का व्यय बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय RBI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। पहला, वह केंद्र सरकार का बैंकर है। दूसरा, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। तीसरा, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। चौथा, वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। आप सभी को इसका उत्तर पता है, मैं पहले भी इसको करवा चुकी हूँ, तो आप सभी को उत्तर देना है। और आप सभी को पता है RBI का ये सारा काम है, उपरोक्त सभी बातें सही हैं, ये सारा काम जो है वो RBI करता है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, इतने अच्छे से पढ़ाया है तो डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रण करता है? RBI वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। पहला है, परिसंपत्तियों की तरलता। दूसरा है, शाखा का विस्तार। तीसरा है, बैंकों का विलय। चौथा है, बैंकों का समापन। पांचवा है, उपरोक्त सभी। कितना आसान है बच्चा लोग, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दमी नहीं है इसमें। तो आई थिंक आप सभी को पता है कि यहाँ पर लिखी हुई सारी बातें सही हैं और ये IAS का प्रश्न है, यानी कि प्रश्न अच्छा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है
तो आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुश्किल है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सामाजिक नगद अनुपात को यानी कि CRR को 50 आधार अंक कम कर देती है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होगा। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ बच्चा लोग। पहला है भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगा। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे। तीसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपना उधार देने का दर घटा सकते हैं। और चौथा, इससे बैंकिंग व्यवस्था को नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो बताएंगे बच्चा लोग सबसे ज़्यादा संभावना किसकी बनेगी, कितना आसान है। और आप सभी को ये मैं पहले ही क्लास में बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। और आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपना उधार देने का दर घटा सकते हैं, बाकी जो होगा वो तो अलग बात है। तो आप सभी को उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, रिवीजन करके अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को। तो बच्चा लोग बना बनाया सब कुछ मिलता है, मात्र भोजन करना होता है, करने के लिए आप लोग आ जाए कीजिए टाइम से, और एक घंटे में बहुत कुछ सीखेंगे। डेली दिन के 2-1 घंटे निकालिए और प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर बैठिए, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, ये समय आपके लिए बहुत कीमती होता है। इस दरमियान आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी मिलती है, कंटिन्यू जानकारी मिलती है, इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुमूल्य हैं। इनके मूल्य को समझिए और मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम फिर मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।